तो जब मैंने अपने इनलाइन स्केट में टू व्हील और थ्री व्हील सेटअप के साथ में स्केटिंग किया था, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि वन व्हील सेटअप के साथ में भी स्केटिंग करो। तो मैंने अपने दोनों ही स्केट में वन व्हील सेटअप किया और निकल गया स्केट लेकर खाली रोड की तलाश में। और एक किलोमीटर चलने के बाद फाइनली मुझे खाली रोड मिल ही गया। फिर मैंने स्केट पहने, लेकिन मुझे नॉर्मल पैर रखने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ और बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ सीजर पोजीशन में ही अपने पैरों को रखकर स्केट कर पा रहा था। लेकिन इससे स्केट फ्रेम डैमेज होने लगा, क्योंकि पुश लेते वक्त और ब्रेक लगाते वक्त फ्रेम रोड पर टच हो रहा था। फिर मैंने दो स्मॉल व्हील लिए और एक आगे और एक पीछे लगा दिया ताकि फ्रेम खराब ना हो, और ये व्हील सेटअप बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन इनके साथ स्केटिंग करने में आसानी हो रही थी, पर बीच वाले व्हील पर अभी भी सीजर पोजीशन में ही स्केट करना पड़ रहा था। तो वन व्हील सेटअप के साथ बस उतार में ही स्केटिंग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पुश लेना और ब्रेक लगाना पॉसिबल नहीं है। फिर मैं इस सेटअप से बोर हो गया और अलिटा व्हील सेटअप किया, जिसमें आगे छोटा और पीछे बड़ा व्हील होता है। और ये मेरा फेवरेट व्हील सेटअप है, जिसके साथ मैंने स्पीड स्केटिंग की। और अंधेरा होने पर मैंने स्केट उतारकर बैग में रखे और पैदल पैदल चल दिया घर की ओर, क्योंकि बीच में खराब रास्ता है। और घर पहुंचते पहुंचते कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। और अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा।